हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम। आप सबको स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल पृथ्वी पर। आज का ये टॉपिक है कि आप अपने मोबाइल में फेसबुक पर वीडियो अपलोड कैसे कर सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं और यूट्यूब पर भी आपको ऑप्शन मिल रहा है कि चैनल को मोनेटाइज कीजिए और पैसे कमाइए, ठीक है। वैसे ही सेम ऑप्शन आपको फेसबुक भी दे रहा है। अब फेसबुक से भी आप चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं, वहाँ से भी अर्न कर सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि सही तरीका क्या है फेसबुक पर वीडियो अपलोड करने का। नॉर्मली लोग करते क्या है कि फेसबुक के पेज पे जाते हैं, वहाँ से डायरेक्टली वीडियो अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल आप वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ स्पेशल चीज़ें बताने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में बने रहेगा, कुछ आपको इम्पोर्टेंट ऐसी सेटिंग्स बताएंगे कि जिससे आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए कंटिन्यू आप देखते रहिए। ऑलराइट, जैसा कि अभी आप हमारे मोबाइल की स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप जानते होंगे, YouTube के एप्लीकेशन के लिए सपोर्ट के लिए एक YouTube ने बनाया हुआ है YouTube स्टूडियो, राइट। वैसे ही Facebook ने अपने पेजेस को, कस्टमर्स के पेजेस को सपोर्ट देने के लिए उसने बनाया हुआ है क्रिएटर स्टूडियो। आप प्ले स्टोर में इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसे ओपन कर सकते हैं। ये आप ब्लू कलर का आप देख रहे होंगे, जो वर्टिस स्टूडियो के बगल में है, क्रिएटर स्टूडियो, ठीक है। यहाँ से आप इसको ओपन कर लेंगे। जैसे आप यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ से आप अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो आपको अपलोड कहाँ से करना है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा एक अपलोड करने का ऑप्शन, ये देखिए, जिस पे मैंने मार्क किया अभी, ठीक है। यहाँ से आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आइए हम ले चलते हैं, इस पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, रील अपलोड करने के लिए, वीडियो अपलोड करने के लिए, फोटो अपलोड करने के लिए, लाइव जाने के लिए, समझ रहे हैं आप। तो जो भी चीज़ें आप यहाँ से करना चाहते हैं, आप यहाँ से क्लियरली उस चीज़ को यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो अब अगर आपको सपोज दैट यहाँ पे अपलोड करना है वीडियो को, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए, ये अभी आपका जो ऑप्शन है, ये वीडियो का है, ठीक है। आप यहाँ से वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वीडियो पे क्लिक कर दिया। जैसे आप वीडियो पे क्लिक करते हैं, जो भी वीडियो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप उस वीडियो को सेलेक्ट करिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अब यूट्यूब पे जैसे आप अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है सबसे पहले क्या, कि वीडियो का टाइटल लिखने के लिए। अब सपोज दैट आपका वीडियो है फेसबुक पे, कि हाउ टू वायरल वीडियो ऑन फेसबुक, तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे हाउ टू वायरल वीडियो ऑन फेसबुक, राइट। तो आपने इसे यहाँ पे मेंशन कर दिया टाइटल, ठीक है। टाइटल में आप कुछ ऐसे मेंशन कर दीजिए, कुछ इंग्लिश में कर दीजिए कि फेसबुक पे वीडियो को वायरल कैसे करें, ठीक है। तो एक जब भी कोई दूसरा आप यहाँ पे एक टॉपिक ऐड करें, तो एक मार्क कुछ लगा दिया करें, जिससे कि लोगों को पता चले कि हाँ इसके बाद ये अलग चीज़ है। तो आपने यहाँ से मेंशन कर दिया, अगर आपको सपोज इट यहाँ से आपको मेंशन करना है फेसबुक पर वीडियो कैसे वायरल करें, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या लिख दिया, टाइटल लिख दिया, ठीक है। अब टाइटल के बाद दूसरा आ जाता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो पहली चीज, तो जो आपने टाइटल लिखा है, टाइटल को एज इट इज कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है। उसके अलावा आपका वीडियो जिससे रिलेटेड हो, आपको उससे रिलेटेड इसमें कुछ लिखना है, कुछ दो तीन आपको टैग्स दे देने हैं। टैग कैसे देने हैं आपको, जैसे सपोज आपने हैशटैग लिख दिया वायरल वीडियो, ठीक है। ऐसे तीन चार आपको यहाँ पे टैग दे देने हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको, जैसे आपको जो भी वीडियो से रिलेटेड हो, आप यहाँ से उसमें उसे मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद आप यहाँ से डन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन आपने मेंशन कर दिया। यूट्यूब में आपने देखा होगा थंबनेल लगाने के लिए ऑप्शन देता है, एज इट इज फेसबुक भी ये ऑप्शन दे दिया है कि आप अपने वीडियो पे थंबनेल लगा सकते हैं। एक तो वो है जो आपका वीडियो है उससे रिलेटेड जो भी आप लगाना चाहते हो, तो दो तीन यहाँ पे क्लिप्स आपको मिल जाएगी, आप यहाँ से उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई थंबनेल बना के रखा है, तो यहाँ पे एक आपको अपलोड इमेज का ऑप्शन दिख रहा होगा। जो भी आपके पास थंबनेल हो, सपोज जो भी आपके पास पड़ी हो थंबनेल, आप उस थंबनेल को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने थंबनेल, हमारे पास फिलहाल हमने बना के नहीं रखा था, तो यहाँ से आप इसे, जो भी थंबनेल आप बना रहे हैं, यहाँ से आप थंबनेल ऐड कर सकते हैं, या फिर जो थंबनेल है उसे हटा सकते हैं। फेसबुक में जो ऑलरेडी आपके वीडियो से रिलेटेड उसने बनाया हुआ है, आप उसे ले सकते हैं। करने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ से इसे कर देंगे पब्लिश। जैसे आप पब्लिश कर देंगे, आपका वीडियो पब्लिश हो जाएगा। इम्पोर्टेंट ये है, जिस मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं टैग कहाँ से होगा। तो टैग जनरेट करने के लिए एक वेबसाइट होती है rapidtag.io, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, गूगल क्रोम पे आप आएंगे, आपको सर्च करना है rapidtags.io, आप यहाँ पे सर्च करिए, ठीक है। वहाँ
पहला ऑप्शन आएगा, पहला जो वेबसाइट आएगा उसे आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे यूज टूल फ्री पे क्लिक कर देना है, जो भी सर्च करना है आपको सर्च कर लीजिए, हाउ टू वायरल वीडियो ऑन फेसबुक, ठीक है। यहाँ से आपने सर्च कर लिया, अब उससे रिलेटेड जितने भी टैग्स हैं आपको यहाँ से मिल गए, आप उसे देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं कि ये वायरल वीडियो, हाउ टू मेक वीडियो गो वायरल ऑन फेसबुक, हाउ टू अपलोड वीडियो, समझ रहे हैं आप, मतलब कि जो भी आपको टैग चाहिए आप यहाँ से रैपिड टैग डॉट आईओ पे आके सर्च कर लीजिए, यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ये टैग आप उठाइए, उसे पेस्ट कर सकते हैं आप अपने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जिसके आगे जब आप इसे पेस्ट करेंगे आप उसके आगे हैशटैग लगा दीजिए, जैसे हाउ टू वायरल वीडियोस ऑन टिकटॉक है तो हैशटैग लगाइएगा, हैश लगा के फिर उसके बाद इसे लिखिएगा, स्पेस इन दो इनके बीच का हटा दीजिएगा जिससे कि वो टैग का काम करे, ठीक है। आप यहाँ से करके इसे पब्लिश कर दीजिए। अगर आपकी वीडियो का थंबनेल अच्छा है, अगर आपकी वीडियो का टाइटल अच्छा है, डिस्क्रिप्शन अच्छा है, टैग आपने अच्छा लगाया है, तो भले आपके फॉलोअर्स जीरो हों, ठीक है, आप अपने वीडियो को वायरल कर सकते हैं, चांसेस हैं कि वो आपका वीडियो जो है वायरल हो सकता है। तो चीज़ों को सही तरीके से अपलोड करिए, कब कौन सा वीडियो वायरल हो जाए, कब किसका कंटेंट या फिर कब किसका टाइटल आपने अच्छा मेंशन कर दिया, आप उसको उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है उसमें, ठीक है। ये तो हो गई इंपॉर्टेंट चीज़ ये। साथ ही साथ फेसबुक के लिए, जैसे यूट्यूब के लिए क्या है कि 1000 घंटे आपका जो है, सॉरी 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, और आपका जो है अगर शॉर्ट्स पे कर रहे हैं तो 1 लाख घंटे वॉच टाइम होना चाहिए, अगर बड़े वीडियोस पे हैं तो 4000 घंटे वॉच टाइम होना चाहिए। फेसबुक ने भी अपने क्राइटेरिया करिएगा, आप जो भी आपकी क्राइटेरियाज हैं वो आप यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं, और आप यूट्यूब के साथ साथ एक फेसबुक से भी अच्छे वीडियोस बना के आप अर्न कर सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर भी हैं तो जो आप वीडियोस आप अपने यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि वो वीडियो आप उठाइए, वही थंबनेल उठाइए, वही टाइटल उठाए, वही डिस्क्रिप्शन उठाए, एज इट इज आप फेसबुक पे भी अपलोड करते जाए करते जाए, धीरे धीरे आपके क्या होंगे फॉलोअर बेस बढ़ते जाएंगे, आज नहीं तो कल आपका ये भी मोनेटाइज हो जाएगा। YouTube जितना पैसा देता है उतना भले नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको अर्निंग ये Facebook भी देगा, ठीक है। तो अगर आप मेहनत कर ही रहे हैं तो बस 2 मिनट का काम रहेगा, वही वीडियो उठा के आपको इस पे अपलोड करना है, अपलोड करने का सही तरीका मैंने आपको बता दिया, तो आप यहाँ से इसे कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम अगर कोई नया अपडेट ले आते हैं, कोई नया वीडियो ले आते हैं, हो सकता है आपके काम का वो भी हो, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उससे अपडेट हो पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।